बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्राण पिया हृदयेश्वर प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने योग माया की सुंदरता को देखा, हमने धनी जी के श्रृंगार का रस लिया, श्यामा जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार, कितना सुंदर आनंद योग माया का ये ब्रह्मांड तैयार किया गया हमारे लिए, नित्य वृंदावन तैयार किया गया ताकि वहां रास की रामते की जा सके। प्रियतम से पूरा प्रेम का विलास जितना योग माया में संभव हो सकता है उतना लिया जा सके। रास का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? रस यानी आनंद की क्रीड़ा, अक्षरातीत का हृदय, अनंत प्रेम, अनंत सौंदर्य, अनंत आनंद, अनंत शांति का अगाध सागर है। जब वो सागर उमड़ने लगता है तो उसे कहते हैं रास हो रही है। इस माया की दुनिया में जो रास खेली जाती है वो तो सीमित रह जाती है, परम धाम शब्दातीत है। उसकी अनंत प्रेममय लीला को बेहद मंडल में यानी योग माया में कुछ अंश के रूप में दर्शाया जा रहा है। बेहद मंडल में जो परम धाम का रस प्रवाहित हो रहा है उसको उसके अंश के भी अंश मात्र में इस दुनिया में उसको कहा जा रहा है। सुंदर साथ जी, तरह तरह की रामतों के रूप में, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई और साधन ही नहीं है कि उसको दर्शाया जा सके, उसको बताया जा सके कि रास होती क्या है। उसको वही जान सकता है जो उसके रस में डूबा हुआ हो। किरंतन में एक प्रकरण भी आता है ना सुंदर साहब जी, रस मगन भई सो क्या गावे। किसी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाई किसी को दीजिए और पूछिए स्वाद कैसा लग रहा है, तो कैसे बताएगा इसका स्वाद कैसा है? जो परम धाम की आत्माएं उस रास लीला में थी, या तो वो जानती हैं या स्वयं श्री राज जी जानते हैं कि ये रास और उसका रस होता क्या है। इस रस को वाणी के द्वारा शब्दों में किस तरह से व्यक्त किया जाए, बहुत बड़ी समस्या है। इस माया की दुनिया में वैसे शब्द ही नहीं मिलते, इसीलिए रामतों के रूप में उसको दर्शाया गया है। छोटे बच्चे के सामने बढ़िया सा खिलौना रख दीजिए, उछलने कूदने लग जाएगा। उछलने कूदने की कला उसने, उछलने और कूदने की कला अभी उसने सीखी नहीं है, अभी वो छोटा सा ही है, उसको सिखाया नहीं गया, पर उसके हाथ पैर स्वतः ही स्पंदन करने लगते हैं। उसी तरह से परम धाम की प्रेममय
प्रेममय लीला को रामतों के रूप में योग माया के ब्रह्मांड में आनंद माया ने जो तैयार किया उसको जो व्यक्त किया गया उसको तारतम वाणी के प्रकाश में हमने जाना कि किस प्रकार से रास होती है। हम रास की थोड़ी सी रामतों का आनंद लेंगे। सुंदर साथ जी, रामत का अर्थ क्या होता है? रामत का अर्थ होता है क्रीड़ा। सच्चिदानंद पर ब्रह्म प्रेम और आनंद रस के अनंत सागर हैं। स्वलीला अद्वैत परम धाम में श्री राज जी, श्री श्यामा जी और सखियां एक ही स्वरूप हैं। इसको सागर और लहरों के लौकिक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। यद्यपि सागर और लहर का जल एक समान होता है पर सागर में अथाह जल राशि होती है जबकि लहर में सीमित होती है, लेकिन परम धाम के स्वलीला अद्वैत एकत्व में सर्वत्र पूर्णता ही पूर्णता है। यदि मारिफत की दृष्टि से देखा जाए तो अक्षरातीत ही सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहे हैं। लहरों की लीला को भी सागर की लीला कहकर परम धाम के अद्वैत को समझने का प्रयास किया जाता है। तारतम वाणी के प्रकाश में श्री राज जी के प्रेम में डुबकी लगाए बिना इस रहस्य को कभी जाना नहीं जा सकता। बाह्य रूप से देखने पर रामतें लौकिक खेल की तरह ही लगती हैं, पर यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये पता लगेगा कि युगल स्वरूप और सखियों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है वो इन क्रीड़ाओं के माध्यम से, इन रामतों के माध्यम से संपादित होता है। इनमें हंसना, बोलना, दौड़ना सब कुछ होता है। सुंदर साथ जी, अक्षरातीत के हृदय में उमड़ता हुआ प्रेम का सागर इन क्रीड़ाओं के माध्यम से अपनी अंग रूपा सखियों के हृदय में संचरित होता है। इसे ही देखने की इच्छा अक्षर ब्रह्म ने की थी, जो महारास के रूप में धाम धनी ने केवल ब्रह्म में दिखाई। इनमें अभी रास की रामतें शुरू होने वाली हैं। सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारा सिंगार सजकर राज जी सामने खड़े हैं। सभी सखियां आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि हमारे प्राण वल्लभ ने बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किया है, अब हम इनके साथ आनंद की लीलाएं करेंगी। प्रियतम के साथ प्रेममयी लीला करने की हमारे मन में अति चाहना है। ऐसा लगता है कि धाम धनी आज हमारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। सखियों, अब तो हमारे रोम रोम में अपने प्राणेश्वर के लिए प्रेम का ही जोश समाया हुआ है। राज जी, श्यामा जी के साथ हमने वृंदावन को बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। अब तो एकमात्र इच्छा है कि हम रास की नई नई क्रीड़ाएं करें और प्रेम में विभोर होकर आनंद में डूब जाएं। सखियां आपस में बातें कर रही हैं। आज तो हम धन्य धन्य हो गई हैं। प्राण वल्लभ की अनुपम शोभा को देखकर हमारे नेत्र शीतल हो गए हैं। आज तो हम जी भर कर अपने प्राणाधार के साथ प्रेममयी क्रीड़ाएं करेंगी। देखो देखो, आज प्रियतम ने कितना सुंदर नया वस्त्र पहना है और मस्तक पर अति सुंदर मुकुट भी धारण कर लिया। ऐसा लगता है कि उनके मन में भी हमारे साथ रास खेलने की इच्छा है, तभी तो उन्होंने इतनी अनुपम छवि धारण की है और बांसुरी की आवाज से हमें सम्मोहित करके इस वृंदावन में बुलाया है। तरह तरह के अति सुंदर आभूषण पहन रखे हैं। हमारा चित्त हरने के लिए ही अति मीठी बांसुरी भी बजा रहे हैं और स्वयं हम सब के बीच में आ आ कर खड़े हो रहे हैं। अब हमारे लिए सुनहरा अवसर है कि हम उमंग में भर कर उनके साथ प्रेममयी रामतें करें। प्राण प्रियतम ने अति सुंदर आभूषणों की तरह सुंदर वस्त्र भी धारण किया है। उनके द्वारा नटवर जैसा अति
ही मनमोहक भेष धारण किया गया है। हमने ब्रज में बहुत दिनों तक 11 वर्ष तक लीलाएं की हैं, पर आज तो विशेष रूप से महारास की लीला होगी। महारास खेलने के लिए धाम धनी ने हमारे हृदय में अपार उमंग भर दी है। प्रेम भरे नेत्रों से हमारी तरफ बार बार देख रहे हैं और हमारे हृदय में प्रेम पैदा कर रहे हैं। मैं उनके सुंदर मुख की मधुर मुस्कान पर न्योछावर हूँ। इंद्रावती जी सखियों के पास आकर कहती हैं, चलो सखियों, हम प्रियतम के पास चलें और प्रेम की आनंदमयी लीलाएं करें। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कहते हैं, मारे वालये करी उमंग, सखी सर्वे तेरी संग। मेरे प्राण वल्लभ ने महारास के लिए हम सब सखियों के अंदर उमंग भर दी है और नित्य वृंदावन में बुला लिया है। आज नए नए ढंगों से वो रास की अद्भुत लीला कर रहे हैं। आज रात्रि में चंद्रमा की शीतल चांदनी छिटक रही है। सभी सखियां अपने प्रियतम के साथ मिलकर खेल रही हैं। उनके आभूषणों से अपार तेज झलकार कर रहा है और आभूषणों से अति मधुर ध्वनि भी निकल रही है। वृंदावन की इस भूमिका में चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है। सखियों के अंग अंग में प्रेम ही प्रेम प्रकट हो रहा है। सखियां उनके जीवन के आधार श्री राजी और नित्य वृंदावन की संपूर्ण सामग्री अति नवीन शोभा से शोभायमान हो रही है। सभी सखियों के अंग अंग अति सुंदर, वो प्रेम और आनंद की क्रीड़ा में पूर्ण रूप से डूब गई हैं। प्राण वल्लभ के साथ आनंद के साथ रास की रामते कर रही हैं। प्रियतम बीच बीच में बांसुरी बजा रहे हैं और क्षण क्षण में आनंद की रसधारा को बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार वे सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। प्रियतम के साथ प्रेम विभोर होकर लीला करने के लिए सखियों ने मन में विचार किया कि अपने प्राणेश्वर के साथ रास का बहुत अधिक आनंद लेने के लिए हमें रामते करनी होंगी, इसी प्रकार हम वास्तविक आनंद ले पाएंगे। इंद्रावती जी कहती हैं, हे साथ जी, प्रियतम नए नए आनंद देने वाली रामतों के साथ हमें रास खिला रहे हैं। जैसे जैसे हम खेल में डूबती जाती हैं, वैसे वैसे हमारा उत्साह बढ़ता ही जाता है। रास लीला करती हुई सखियों की प्रियतम अक्षरातीत के साथ वैसी ही शोभा हो रही है जैसे बीतती हुई रात्रि के पश्चात लालिमा के साथ उगता हुआ सूरज अपनी किरणों के साथ शोभायमान हो रहा हो। नित्य वृंदावन की अनुपम छवि दिखाई दे रही है। सखियों के आभूषण झलकार कर रहे हैं, उनमें जड़े हुए नगों से अपार तेज निकल रहा है। उनके शरीर में धारण किए गए ज्योतिर्मय वस्त्रों का श्रृंगार अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। वो अपनी अनुपम छवि से प्रियतम श्री राज जी के मन को मुग्ध कर रही हैं। सखियों के श्रृंगार इतने सुंदर हैं कि स्वयं श्री राज जी भी अपनी प्रेम भरी चाहत के साथ उन्हें निहार रहे हैं। उनके वस्त्रों और आभूषणों की शोभा ऐसी दिखाई दे रही है जैसे मूल से ही इनका शरीर के साथ अखंड संबंध रहा है। बिना तारतम ज्ञान के इस गुह्य रहस्यमयी ज्ञान रूपी धन के विषय में कोई नहीं जान सकता। सुंदर साथ जी, प्राणेश्वर अक्षरातीत अत्यधिक उल्लास में है।
वे सखियों की भाव विह्वलता देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न है। वे उनकी प्रेम भरी चाहत को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराते हुए हास परिहास करते हैं। इसके प्रत्युत्तर में सखियां भी वैसा ही हास परिहास करती हैं। प्रियतम अक्षरातीत अपनी अंग रूपा सखियों को रास लीला करके सुख दे रहे हैं। रास की क्रीड़ाओं में सखियां धाम धनी के कभी आगे होती हैं तो कभी पीछे होती हैं। ऐसे लगता है प्रेम का कोई युद्ध चल रहा हो। नई नई आनंदमयी क्रीड़ाओं से सभी रास खेल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अनंत प्रेम और अनंत आनंद का समारोह हो रहा हो। श्री राज जी और सखियां अपने मन के अनुसार तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। सुंदरी वल्लभ बनने करे इच्छा मन गमे। रास की क्रीड़ा में ना तो कोई किसी पर क्रोध करता है और ना कोई किसी के लिए रूखी भाषा बोलता है। इसीलिए ना तो क्रोध को सहन करने का कोई प्रसंग आता है, ना रूखी भाषा बोलने के कारण प्रायश्चित के रूप में झुकना पड़ता है, बल्कि सभी प्रेम से भरपूर अपने नूरमयी तन की शक्ति के अनुसार अति मीठी वाणी बोलते हैं। अक्षरातीत के साथ क्रीड़ा करती हुई सखियां बहुत चतुराई भरी चाल से चलती हैं। उनके मुख अति सुंदर लग रहे हैं। उनकी कृश कटि बहुत ही मनोरम लग रही है। उनके लहंगे का घेरा कमर में पतला और नीचे चौड़ा है। इस प्रकार एक घंटे की तरह शोभायमान हो रहा है। चतुराई भरी सखियां रास की रामते खेलने में बहुत ही निपुण हैं। वो प्रियतम के प्रेम में पूर्णतया बेसुध हो चुकी हैं। उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर के लिए अपार वो उनके गले में बाहें डालकर आनंद के अगाध सागर में डूब चुकी हैं। सुंदर साथ जी, आवो रे सखियों, आपन हमची खूंदिए, बालाजी ने भेला लीजे रे। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सखियों, आओ हम सभी धाम धनी के साथ मिलकर उछलते हुए ताली बजाने का खेल खेलें। इस प्रकार का खेल खेलते हुए हम गीत भी गाएं और हास परिहास करते हुए आनंद मग्न भी रहें। हे मेरे प्राण प्रियतम, ये रामत बहुत ही अच्छी है, हमारी मन पसंद है और अति सुहावनी है। हम सभी तालियां बजाते हुए राग कालेरों में उच्च स्वर से प्रेम भरे गीत गाएं। अब हमें अपनी चाहत को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पहले हमने कभी भी अपनी प्रेम की इच्छा को आपके सामने व्यक्त नहीं किया था। ऐसा सुनहरा अवसर हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ था। हमारी चाहत मन में ही रह गई थी। इस रामत में हमें जिस आनंद की प्राप्ति हो रही है, वैसा आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ था। जैसे जैसे सखियां इस लीला में डूबती जाएंगी, वैसे वैसे उन्हें और अधिक मधुर आनंद की प्राप्ति होती जाएगी। सखियों, तुम इस धारणा के साथ प्रेम के गीत गाओ कि उसका भाव भी हृदय में आत्मसात हो जाए। उस प्रेम भरे गीत का सीधा अर्थ यही है कि हम अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत का हाथ पकड़कर लीला में डूब जाएं। बहुत ही सुंदर रामते खेलती हुई सखियां बहुत प्यारी लग रही हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्रियतम, अब हम आंख मिचौनी आंख बंद करने की रामत खेलें। इस रामत की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता।
फूलों के बने हुए गोल आकृति वाले निकुंज के मंदिर बहुत ही सुंदर हैं। हम सभी अलग अलग होकर उसमें छुप जाते हैं। ये सुनकर सभी सखियां बहुत हर्षित हो गईं और कहने लगी, ये खेल तो बहुत अच्छा है, किंतु इंद्रावती जी कहती हैं, तुम सभी सखियां आपस में विचार करके ये बात बताओ कि हम में से सबसे पहले बारी कौन देगा, दाव कौन खेलेगा। सब सखियां कहने लगी, सबसे पहले प्रियतम बारी देंगे, पहली बारी उनकी ही है। यदि हम सभी पहले दाव लगा देंगी तो ये छलिया प्रियतम किसी भी तरह से हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्रियतम, आप मेरे पास आइए, मैं आपकी आंखें बंद करती हूँ। यदि आप स्वतः आंखें बंद करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से बंद कीजिए। हम सभी वन में जाकर छिप जाती हैं, बाद में आप हमें ढूंढ लीजिए। हे सखियों, इंद्रावती जी कहती हैं, तुम सभी एकांत में छुप जाओ, अपने आभूषणों को ऊपर करके चलना, जिससे उनकी आवाज प्रियतम को सुनाई ना पड़े और उसके आधार पर वो तुम्हें पकड़ ना सके। तुम इतनी सावधानी से छिपना कि कोई भी प्रियतम की पकड़ में ना आ सके। इस प्रकार हम अपने धाम धनी के साथ हंसी करेंगी। ये ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत चतुराई के साथ छिपना होगा। तुम में से कोई भी आपस में बातचीत ना करे। इनके प्रियतम के कान सुनने में बहुत तेज हैं। ये हमारी धीमी आवाज भी सुन लेंगे और उसी समय वहां आ जाएंगे। सखियों, तुम सभी सावचेत हो जाओ, प्रियतम कभी भी छिपते छिपाते आ सकते हैं। यदि वो इधर आते हैं तो तुम चुपके से भाग जाना। यदि प्रियतम दूसरी ओर से आए तो हम थपकी की जगह दौड़कर आ जाएंगी। इस प्रकार केवल प्रियतम की ही बारी आती रहेगी और उनको हराने के कारण हमें बहुत आनंद आएगा। सभी सावधान होकर खेलना, उनकी दृष्टि में ना आ जाना। ये ध्यान रखना, यदि दाव हमारे ऊपर आ जाएगा, बारी हमारी आ जाएगी, तो प्राण प्रियतम किसी भी तरह से हमारी पकड़ में आने वाले नहीं हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, मैं निकुंज वन के मंदिरों से निकली और पाली पर आकर थपकी लगाई। धाम धनी ने धीरे धीरे जाकर श्यामा जी को पकड़ लिया। राज जी कहते हैं, हे सखियो, तुम वन में छिपने के लिए चली जाओ, श्यामा जी की बारी है, पर श्यामा जी के बदले मैं बारी दूंगा। ये बात श्यामा जी को स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, क्या मैं खेल के विषय में नहीं जानती, आप मेरे लिए क्यों दाव देंगे। श्यामा जी धाम धनी से कहती हैं, आप खेल में मर्यादा ना निभाइए, खुले मन से खेलिए। सखियों, तुम मेरी बात सुनो, तुम इस वन में जहां तक भागकर छुप सकती हो छुप जाओ। श्यामा जी अपनी आंखें बंद करके खड़ी रही, उधर सब सखियां वन में फैल कर छिप गईं। सब सखियां जीतने की प्रबल इच्छा रख कर खेलने लगी। उन्होंने अपने आभूषणों को भी ऊंचा कर लिया ताकि उनके स्थान का, छिपने के स्थान का पता ना लगे। सभी सखियां खेल के आनंद में डूबी हुई हैं। थपकी लगाने के लिए निश्चित किए गए स्थान की तरफ दौड़ कर जाने लगी। उन्होंने इतनी सावधानी बरती कि आभूषणों को जरा सा भी बजने नहीं दिया। उनकी इस चतुराई भरी चपलता की महिमा का वर्णन कैसे हो। आज श्यामा जी के अंग अंग में अत्यधिक उल्लास दिख रहा है। उन्होंने पैर से ताल देकर छलांग लगाई और धाम धनी को पकड़ लिया। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि निकुंज वन में अपने धाम धनी के साथ बहुत अच्छी प्रकार से ये आनंदमयी रामत हुई।
इसे खेलते हुए सब सखियों ने बहुत आनंद लिया। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, राधा जी अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी के गले में बाहें डालकर रास की रामते कर रही हैं। ऐसा लगता है ये युगल स्वरूप एक ही अंग है। श्यामा जी की राज्जी की जोड़ी बहुत ही मनोहर लग रही है। हे सखियों, तुम सभी इन युगल स्वरूप के मुखार बिंद की अनुपम शोभा को देखो। आपस में हास परिहास करते हुए ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसाइए। उसके बाद फूंदड़ी की रामत का वर्णन किया गया है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे जीवन के आधार श्री राज जी, आप मेरे पास आइए। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाई में तेजी से घूमें। यदि हम बहुत लंबे समय तक ये लीला करें, गोलाई में घूमते घूमते यदि आपको चक्कर आ जाए तो मेरी बाहें मत छोड़िएगा। प्रेम का अधिकार देखिए सुंदर साथ जी, यदि आप मेरा हाथ छोड़ देंगे तो मैं गिर जाऊंगी। इसका परिणाम ये होगा कि सब सखियां गिरी हुई देखकर मेरी हंसी उड़ाएंगी। इसलिए आप गोलाई में घूमते समय मेरे हाथों को ना छोड़िएगा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर ये रामत खेलिए, जिससे हाथ छूटने की आशंका ही ना रहे। मेरे प्रियतम, इस रामत में घूमते हैं तो इस रामत को खेलते समय अपने अंगों को ढीला छोड़कर पूरी शक्ति से घूमेंगे। मेरी इंद्रावती जी कहती हैं, मेरी और श्री राज जी की इस जोड़ी को गोलाई में घूमते हुए देखो। हमारी ये जोड़ी बहुत अधिक बल के साथ गोल गोल घूम रही है। धाम धनी के साथ मैं कितनी शक्ति से घूम रही हूँ। सुंदर साथ जी, इन रास की रामतों से ही हमें जागने की इस रामतों की भी वो दिखाई देती है, झलकार दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर घूमने की भी ये रामत। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, धाम धनी आप हमारे साथ भूलवनी की रामत भी खेलिए। इस खेल में आप हमारे आगे हो जाइए। आप जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं उतना दौड़िए। मैं देखती हूँ आप मुझसे आगे कितनी तेजी से भागते हैं। भूलवनी की इस रामत में अनेक चक्कर देकर आप मुझे भुला दीजिए, किंतु मैं इंद्रावती सखी तभी कहला सकती हूँ जब आपके द्वारा भुलाने का प्रयास करने पर भी मैं आपको भूल ना सकूं। सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी ने जागनी ब्रह्मांड में भी ये करके दिखाया है। हे सखियों, देखो प्रियतम मुझे भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, किंतु मैंने किसी भी तरह से उनका पीछा नहीं छोड़ा है। उन्होंने मुझे भुलाने के लिए अनेक चक्कर दिए, किंतु मैं उनके साथ साथ ही रही हूँ। प्राणेश्वर, अब मैं आपसे आगे हो जाती हूँ। अब आप मेरे पीछे से आइए। मैं सच्ची सखी तभी हूँ यदि मैं आपको चक्करों के जाल में फंसाकर भुलवा दूँ। इंद्रावती जी कहती हैं, हे सखियों, तुम सावचेत हो जाओ। सखियों, तमे सावचेत था जो रखे कोई मूकता हाथ रे। हमड़ा हरावू मारा वाला जी ने जो जो तमे सहु साथ रे। आप सब मिलकर देखना, अभी इस रामत में मैं प्रियतम को हरा देती हूँ। कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ना। वाला जी, आप मेरे पीछे पीछे आइए। यद्यपि आप बहुत चतुर हैं, किंतु आपके लिए ये चुनौती है कि आपको भूलना नहीं है। भले ही मैं कितने भी चक्कर दूं, मुझसे अलग मत होइएगा। एक ही चक्कर के प्रथम चरण में ही प्रियतम भूल गए। इस जीत से सखियां इतनी प्रसन्न हुई कि धरती पर लोटने लगी। इतनी हंसी कि हंसते हंसते उनके
पेट में दर्द होने लगा। इस प्रकार रास की अनेक रामते हुई भविष्य में भी होंगी, किंतु इंद्रावती जी ने सब सखियों के सम्मुख ये सिद्ध कर दिया कि वो इन रामतों को खेलने में विशिष्ट योग्यता रखती हैं, और उन्होंने अपने प्राण प्रियतम को चक्कर देकर भुला दिया और सखियों की लाज रख ली और उनकी विजय करा दी। सुंदर साथ जी, धामधनी कितने मेहरबान हैं कि शोभा अंगनाओं को देते जा रहे हैं, जीतने की शोभा उनको देते जा रहे हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, प्राणेश्वर अक्षरातीत हमारे मन की सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे, अवश्य पूर्ण करेंगे। मन मनोरथ सुंदरी, सखी मन मनोरथ सुंदरी। अनेक प्रकार की आनंदमय क्रीड़ाओं में सभी सखियां मग्न हैं। वो मुस्कुराती हैं, मधुर हंसी के साथ हंसती हैं। इस प्रकार प्रेममय लीला का पल पल विस्तार होता जाता है। इस समय रास क्रीड़ा से जो आनंद हो रहा है ना सुंदर साथ जी, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सबके हृदय में अपार उमंग छाई हुई है। हमारा मन अत्यधिक उल्लसित हो रहा है। सभी सखियां प्रतिद्वंद्विता की भावना से रास खेल रही हैं। हे सखियों, इस समय वृंदावन में जगमगाते हुए चंद्रमा की अलौकिक शोभा को देखिए। अनेक रंगों के फूल खिल रहे हैं और सुंदर साथ चारों ओर फैलकर तरह तरह की रामतें खेल रहे हैं। मैना कोयल के अति मीठे स्वर गूंज रहे हैं। कबूतर और चकोर पक्षी अपनी सुंदर क्रीड़ाओं के साथ घूम रहे हैं। मृग बंदर मोर चारों ओर उछल उछल कर घूम रहे हैं और नाच रहे हैं। श्यामना उलासी अंग उलट हमारे संग, माहो माहे मकरंद व्याप्यो विविध पेरी। श्री राज जी के हृदय में रास के लिए अत्यधिक उल्लास है। वही उल्लास हमारे हृदय में भी स्थानांतरित हो गया है। सब सखियों के हृदय में प्रियतम का प्रेम पाने की प्रबल उल्लास है, जो अनेक रूपों में रामतों के द्वारा दृष्टिगोचर हो रही है। सखियां बहुत सुंदर ढंग से रास की रामते खेल रही हैं। इस अपार आनंद में रात्रि भी बंध सी गई है, स्थिर हो गई है। आनंद घन श्री राज जी ने अपनी अंगनाओं पर कृपा करके एक एक सखी के साथ अपना एक एक रूप प्रकट कर लिया है और उनको अनंत सुख दे रहे हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, अब एक और रामत खेलते हैं। किले को आधार मानकर खेले जाने वाली रामत यानी गढ़े की रामत, गढ़ को आधार मानकर खेलने वाली रामत। इंद्रावती जी कहती हैं, रामत गढ़ तणी रे हाथ माहे हाथ दीजे, कि हे सखियों, अब हम किले वाली रामत खेलेंगी। इसके लिए सभी एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ पकड़ाओ। आज भी हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है बातुनी रूप से। सुंदर साथ जी, इस रामत का आनंद तुम्हें तभी प्राप्त हो सकेगा जब तुम पूरी शक्ति लगाकर एक दूसरे की बाहों को पकड़े रहोगी, जैसे गलबैया डालकर मोल मिलावे में बैठी है ना सुंदर साथ जी, बिल्कुल वैसे ही। हे सखियों, सबसे पहले मैं तुम सबसे ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ कि ये रामत आनंद में डुबो देने वाली है। जो तेजी से दौड़ नहीं सकेगी, उसका हाथ तो दूसरों से नहीं छूटेगा, किंतु गिरकर पीछे पीछे घिसटती हुई आएगी। इसलिए एक दूसरे की बाहों को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहना
और उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाए रखना। बाद में जब तुम दौड़ोगी तो उस समय कुछ भी कहना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत अधिक शोर होगा इस रामत में। पहले तुम्हें चींटी की चाल से चलना होगा, उसके पश्चात धीरे धीरे अपनी चाल को बढ़ाना होगा, उसके पश्चात पुनः अपनी चाल को और बढ़ाते बढ़ाते वहां तक बढ़ जाना, इसके पश्चात और अधिक गति बढ़ने पर जल्दबाजी नहीं करनी, ढीली ढाली मस्ती भरी चाल से चलना है। सखियों, अब तुम सावधान हो जाओ और अपने कुछ कदम धीरे धीरे रखो, इसके पश्चात तुम सभी अपने को संभाल कर मुख से उच्च स्वरों में गीत गाओ। तुम लटकती मटकती चाल से अत्यधिक स्फूर्ति से और छिटकने की मुद्रा में दौड़ना। दौड़ते समय अपने कदम पीछे नहीं रखना। इस रामत में बहुत अधिक हंसी की लीला है, तुम्हें दौड़ने का आनंद अवश्य लेना है। इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे प्रियतम, गढ़े की ये रामत बहुत अच्छी हुई है। दौड़ते समय ना तो आपने पीछे देखा और ना ही मैंने आपकी बाहें छोड़ी। प्रियतम की पहचान सुंदर साथ जी, रास की ये रामत कितना सुंदर संकेत देती हुई कि प्रियतम की पहचान होने के बाद हमें धनी की बाहों को दृढ़ता से पकड़े रहना चाहिए, हमारा प्रेम और समर्पण अटूट होना चाहिए। सुंदर साथ जी, इसके बाद ताली बजाने की रामत खेलती हैं सखियां। रामत कर तालीनी रे, एमा छे वला का विस्मा। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हाथ से ताली बजाकर रामत करने का दांव पेच कठिन है, क्योंकि इसमें कभी बैठना पड़ता है तो कभी उठना पड़ता है, कभी घूमना पड़ता है तो कभी खेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी आमने सामने आकर हाथ से ताली भी बजानी पड़ती है। हे प्रियतम, आपके सामने खड़ी होकर मैं आपके हाथ की ताली लूंगी और बैठकर उठकर घूमकर पुनः सामने आकर आपके हाथ में ताली दूंगी। इस रामत में बैठते समय ताली देकर बैठना है और उठते समय ताली देकर उठना है, घूमते समय ताली देकर घूमना है। हे सखियों, तुम इस प्रकार का रामत का आनंद लेना। इस रामत में युगल स्वरूप अति सुंदर शोभा से युक्त दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ रामत करते हुए तुम सभी अपने अंगों को विशेष मुद्रा में मोड़ो नृत्य के उसमें। इस प्रेममय लीला का अति आनंद लो। ये भी ध्यान रखो कि इस रामत में कोई रुकावट ना आए, कोई व्यवधान ना आए। इस खेल की मनोहारिता को देखकर सब सखियों के मन में खेलने की उमंग बढ़ गई है। सब सखियां आपस में कहने लगी कि इस प्रकार हम भी प्रियतम के साथ इस रामत को खेलेंगी। प्राणेश्वर, आप हमारे साथ भी खेलिए, ये रामत सबके मन को बहुत अधिक भा गई है, इसलिए हम सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक एक सखी के साथ लीला कीजिए और हमें आनंद देकर स्वयं भी आनंद लीजिए। प्रियतम, हाथ की ताली वाली इस रामत को सभी सखियों के साथ अति पूर्व प्रेम पूर्वक खेल रहे हैं। इस रामत को आनंद पूर्वक खेलने के लिए प्रियतम ने प्रत्येक सखी के लिए अलग अलग 12,000 रूप धारण किए और सबकी इच्छा पूरी की। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम, अक्षरातीत के साथ सखियों की ये रामत बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुई।
श्री राज जी ने अपने 12,000 रूप धारण कर एक एक सखी के साथ आनंद पूर्वक लीला की और सभी सखियों की इच्छा पूरी की, सभी सखियों की इच्छा पूरी की।